इजराइल और हमास के बीच जंग को करीबन एक महीना पूरा होने वाला है। इजराइल हो या गाजा, हर तरफ चीख पुकार मची है। जहां अमेरिका इजराइल को समर्थन दे रहा है, तो वहीं उत्तर कोरिया का तानाशाह नेता किम जोंग उन फिलिस्तीन को अपना समर्थन देने में जुटा है। दक्षिण कोरिया की स्पाई एजेंसी ने हैरान कर देने वाला दावा किया है। खबर है कि किम जोंग मिडिल ईस्ट में आतंकवादी समूहों को हथियार बेचेंगे। उधर रूस भी इस युद्ध में इसराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। रूस ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए लड़ाकू विमानों से लैस अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को काला सागर में तैनात किया है। यही काम अब उत्तर कोरिया भी करने जा रहा है। फर्क बस इतना है कि किम जोंग हमास को हथियारों की खेप पहुंचाकर मदद कर सकते हैं। उत्तर कोरिया तो पहले ही अपने परमाणु कार्यक्रम के कारण संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, वहीं अब हमास को समर्थन देकर यह अमेरिका के विपक्ष में भी शामिल हो गया है। उत्तर कोरिया को लेकर यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि दक्षिण कोरियाई सांसदों ने एजेंसी की एक ब्रीफिंग में किया है। खबर है कि उत्तर कोरिया ने हमास को युद्ध से पहले ही एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर बेचे हैं और अब युद्ध के दौरान भी हथियारों की बड़ी खेप भेजी जा सकती है। कोरिया हेराल्ड के अनुसार माना जा रहा है कि किम जोंग उन ने युद्ध का फायदा उठाने के लिए फिलिस्तीन के लिए व्यापक समर्थन का आह्वान किया है। यही नहीं, उत्तर कोरिया की पोल तो तब खुली जब हमास लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला करते समय संदिग्ध उत्तर कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है कि हमास ने उत्तर कोरियाई F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था, जो कंधे से दागा जाने वाला एक हथियार है जिसे लड़ाकू आमतौर पर बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे वीडियो में पहले भी हमास के आतंकवादियों को संदिग्ध उत्तर कोरियाई बुलसे निर्देशित एंटी टैंक मिसाइलों का उपयोग करते हुए दिखाया गया था। दूसरी ओर उत्तर कोरिया ने हमास द्वारा अपने हथियारों का इस्तेमाल करने के दावों को खारिज कर दावा किया कि यह अमेरिका द्वारा रचित एक आधारहीन और फर्जी अफवाह है।